हरियाणा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा के सीएम नायाब सैनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांगे मानी, क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया। मुख्यमंत्री ने क्लास 1 और 2 के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया। यह ओबीसी वर्ग के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि सीएम नायाब सैनी ने हमारी मांगे मानी, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी अन्य मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पर भी विचार किया जाएगा और उन्हें भी पूरा करने का काम किया जाएगा। ओबीसी वर्ग का बैकलॉग खत्म करने के लिए काम किया जाएगा। 23 जून को एक बहुत बड़ी घोषणा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी ने, क्योंकि उस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था और उस अवसर पर गुरुग्राम के अंदर एक ओबीसी मोर्चा के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसके आयोजक हमारे वहाँ के उपाध्यक्ष भाई श्याम सुंदर कारकवाल जी वो संयोजक थे कार्यक्रम के। और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी उसमें मौजूद रहे। हमारे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी उसमें मौजूद रहे। सांसद राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी उसमें उपस्थित रहे और सभी हमारे ओबीसी वर्ग के जितने भी हमारे ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, सब उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और उस कार्यक्रम में हमने मुख्यमंत्री जी से पहले हमने उनसे मंत्रणा भी की थी और मुख्यमंत्री जी ने उस दिन 23 जून को जो ओबीसी वर्ग के लिए जो घोषणाएं की उसको लेकर के आज पूरे हरियाणा के अंदर ओबीसी वर्ग में बहुत खुशी की लहर है कि बहुत लंबे समय से लंबित हमारी मांगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी खुशी में तब्दील कर दी। उनको सबको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर हम चाहते थे कि भारत सरकार की तर्ज पर वो हरियाणा के अंदर भी लागू हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा करके जो क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए थी हरियाणा के अंदर उसको 8 लाख रुपए करने की घोषणा करी। और उसमें जो वेतन और कृषि से होने वाली आय उसमें ना जोड़ी जाए ये भी हमने निवेदन किया था, तो वो बात भी हमारी स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत जो है वो ओबीसी वर्ग को देने का काम किया है। इसके साथ साथ बहुत लंबे समय से ओबीसी वर्ग डिमांड कर रहा था कि जो मंडल कमीशन ने 27% जो रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी थी तो उसके आधार पर क्लास 1 और क्लास 2 में हमें 16 और 11% जो है ना 16 BCA को और 11% BCB को इस प्रकार से जो है ना आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चे उनको जो है ना अवसर मिलेगा। तो इस बात को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए इसकी भी घोषणा करी है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है ना हरियाणा में ओबीसी वर्ग के लिए जो है ये इससे राहत जो ओबीसी वर्ग को मिली है, तो उसके लिए आज ये सारी की सारी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ चंडीगढ़ में पहुंची है। इसी के साथ कर्णदेव कंबोज ने पूर्व सीएम मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया और कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उन्होंने क्रीमी लेयर को 6 लाख किया था क्योंकि वो गरीबों को सबसे पहले लाभ दिलाना चाहते थे। इससे भी बहुत सुधार हुआ है, ओबीसी वर्ग हमेशा भाजपा के साथ रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग भाजपा के लिए प्रचार करेंगे, भाजपा ओबीसी की सच्ची हितैषी है। आने वाले विधानसभा में भी तीसरी बार हरियाणा के अंदर जो चुनाव होंगे उन चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा ओबीसी वर्ग के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि आने वाले तीसरे चुनाव के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से खुल करके सहयोग करेंगे और जन जन में जा करके प्रचार करेंगे कि अगर कोई सच्ची हितैषी कोई ओबीसी वर्ग की है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत से ऐसे काम, बहुत सी ऐसी योजनाएं,
जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है उनके माध्यम से आज ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से आज पूरे हरियाणा के अंदर ओबीसी वर्ग में जिस प्रकार से खुशी की लहर है, सभी जगह हमारे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, लड्डू बांट करके ढोल बजा करके खुशियां मना रहे हैं। तो ये पूरे हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनका पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग के लिए जो घोषणाएं की हैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में ओबीसी वर्ग को इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए बुलाई गई थी कि हम आपके माध्यम से और पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के पूरे प्रदेश के अंदर, वैसे तो इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास इस आधार पर काम किया है। आपको याद होगा कि जैसे ही तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अगर कोई घोषणा की है तो हमारे किसानों के लिए की है। जो किसान सम्मान निधि के नाते जो पैसा 2000 रुपये 3-4 महीने के अंदर जो उन्हें दिया जाता है, साल में 6000 रुपये उनके खाते में डाला जाता है, तो उसकी सबसे पहले घोषणा करके और वो किस्त जो है ना किसानों के खाते में डाली गई। और उसके बाद जो हमारी जो फसलें होती हैं किसान की जो प्रोडक्ट होता है उन फसलों का MSP बढ़ाने का काम भी वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये ऐसे ऐसे काम, बहुत से काम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब वर्गों के लिए कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास इस सरकार पर बना रहे। पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का स्वागत किया जा रहा है। एनवल लाइव की खास खबर।